Hey, what's up YouTube? I'm back with another video. So guys, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सप्लीमेंट परचेज करने के बाद वे प्रोटीन हो गया या मास गेन हो गया, उसको लेने के बाद आपकी बॉडी में कितने टाइम में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। मुझसे ये सवाल काफ़ी दफ़ा किया गया है। आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। तो काफ़ी लोग सप्लीमेंट लेते हैं, मेरी वीडियो देख के वे प्रोटीन लेते हैं, मास गेनर लेते हैं, फिर वो मुझसे सवाल करते हैं कि हमने ले तो लिया है, अब आप बताइए कि इसको यूज़ करने के कितने टाइम बाद मुझे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के बाद आज बात करेंगे, पूरी वीडियो में यही कवर करेंगे कि रिजल्ट कितने टाइम बाद आते हैं या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट पर अफेक्ट करते हैं। किसी को रिजल्ट 2 महीने बाद नज़र आने लग जाते हैं, किसी को 6-7 महीने बाद आने लगते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो इसी के बाद आज बात करेंगे। अगर आपका भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन था तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन होगा, जल्दी से उसको दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मेरी मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, इर्तज़ा फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा हो, जाइए फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ मुझे DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 2 सप्लीमेंट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, नॉलेज है जिनके बारे में, या इतना तो पता है कि एक है मास गेनर, एक है वे प्रोटीन। के मास गेनर से जो है वो वेट गेन होता है या वे प्रोटीन से जो है वो मसल गेन होता है, इतना पता है। तो ज़्यादातर लोग ये 2 सप्लीमेंट ही प्रेफर करते हैं और ले लेते हैं। तो मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं इन पर बनी हुई, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने लिया भी है, मास गेनर भी लिया है, वे प्रोटीन भी लिया है। फिर मेरे पास एक सवाल आया है बार बार, वो ये आया है कि यार सर, मैंने ले लिया है, अब आप मुझे बताइए कि कितने टाइम में मेरा रिज़ल्ट आना नज़र आना शुरू हो जाएगा, मतलब मैं वेट गेन करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए मैंने ले लिया, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ तो कितने टाइम में मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, या कितना वेट 1 महीने में कितना वेट मैं गेन कर लूँगा, या मसल की बात करते हैं तो कितने टाइम में मैं कितना मसल गेन कर लूँगा, अब आप बताइए। तो ये चीज़ मैं या कोई भी आपको नहीं बता सकता, ये मैं आज क्लियर करूँगा कि क्यों नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनमें मेन जो है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है आपका वर्कआउट, आपकी डाइट और आपका रेस्ट, ये 3 है, बहुत सारे इसके अलावा भी हैं और लेकिन जो मेन है वो ये 3 है जो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता कि कोई बंदा वर्कआउट कैसे कर रहा है, उसकी अगर वर्कआउट वो कर भी रहा है तो उसके एंगल्स क्या हैं, वो प्रॉपर तरीके से वो वर्कआउट कर रहा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या वो कर रहा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो रेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, या वो डाइट प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ कि आपकी बॉडी में इतने टाइम में इतना चेंज आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी भी सर्टिफाइड ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सेट होते हैं, मीन्स कि आपके बारे में वो पहले थोड़ी सी पढ़ेगा आपकी बॉडी के बारे में कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, 1 महीने तक आपको एक्सरसाइज करवाएगा कि आपकी बॉडी किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, किन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रही है, चेंजेस किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, इसके अलावा आपकी बॉडी टाइप क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखेगा, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी क्या है, एजिलिटी आपके अंदर कितनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब आपकी बॉडी में वो देखेगा, आपका हार्ट रेट देखेगा, फिर उसके बाद वो बता सकता है कि हाँ आपकी बॉडी में 1-2 महीने के बाद वो अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ आपकी बॉडी में इतने टाइम में चेंज आ सकता है या इतने टाइम में चेंज आ सकता है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता कि 3 महीने में आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, सही है। तो लोग चाहते हैं कि उनको ये बताया जाए कि सर मैंने वे प्रोटीन लिया, अब मैं उनको बताऊं कि हाँ तुम इसको ऐसे से यूज़ करो, 2 महीने में तुम्हारी बॉडी बेहतरीन हो जाएगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी के अंदर 2 महीने का नज़र आ जाता है, 3 महीने में नज़र आना शुरू हो जाता है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आ जाता है, नज़र आना शुरू हो जाता है, किसी के अंदर 6-7 महीने लग जाते हैं नज़र आने में या नज़र दिखने में। तो ये चीज़ डिफरेंट है हर किसी के लिए, हर बॉडी टाइप के लिए डिफरेंट है, हर इंसान के लिए डिफरेंट है, कब उसके रिजल्ट आते हैं किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितने टाइम में कितना अच्छा है कितना बेहतर रिजल्ट आ सकता है, ये सिर्फ आपको पता है या उसको बंदे को पता है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो मुझसे सवाल किया जाता है कि सर मैंने वे प्रोटीन ले लिया, मैंने मास गेनर ले लिया, अब आप बताइए कि मैं कितना टाइम में मेरी बॉडी में चेंज आ जाएगा, या मैं कितना वेट गेन कर लूँगा, या मैं कितना मसल गेन कर लूँगा, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता। इन केस अगर आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो फिर भी 1-2 महीने के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करवाने के बाद, मैं आपको गाइड करने के बाद, मैं आपकी बॉडी के बारे में जानने के बाद अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ आपकी बॉडी में इतने टाइम में इतना चेंज आ सकता है। पर मैं ऐसे, तो एक और सवाल किया जाता है कि सर मैं ना इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट वगैरह सब इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए मुझे करते हुए, लेकिन मेरी बॉडी में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, बताएं मैं क्या करूँ।
तो कोई ऐसी टिप दे दें आप जिससे मेरी बॉडी बन जाए, इस तरह का सवाल भी आता है। तो यार मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि ये चीज़ आप करें इस तरह की बॉडी बन जाएगी, या एक कोई टिप दो तीन आपको बता दूँ कि आप ये फॉलो करेंगे आपकी बॉडी बेहतरीन सी बॉडी बन जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें मैं ये मिथ है कि इस तरह से कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपको कोई नहीं बता सकता कि ये फॉलो करो इससे बॉडी बन जाएगी या इतने टाइम में बन जाएगी। या बहुत से ट्रेनर ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाएं, जो जैसे ट्रेनर्स होते हैं वो आपको बोल देंगे कि हाँ 2 महीने में तुम्हारा फैट 10 kg कम हो जाएगा, या 3 महीने के अंदर तुम्हारी बॉडी बहुत बेहतरीन बन जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, उनको ख़ुद नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितने टाइम में कितना चेंज आएगा। वो सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया होता है ताकि जो सामने वाला है वो अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ यार 2 महीने में 10 kg कम कर देगा मेरा, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। सो ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर आप वे प्रोटीन या सप्लीमेंट कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ कोई नहीं बता सकता आपको कि कितने टाइम के अंदर आपकी बॉडी में चेंज आएगा। अगर आप बिल्कुल ऑन द पॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑन द पॉइंट आपकी डाइट चल रही है, आपका रेस्ट प्रॉपर चल रहा है, फिर आप सप्लीमेंट अपनी बॉडी में ऐड करते हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया, आपकी प्रोटीन की पुरानी और डाइट से अब आपको लगा कि यार मुझे प्रोटीन लेना चाहिए और सप्लीमेंट में ऐड करता हूँ, तो आपकी बॉडी में अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, आपको जल्दी ही मिलेंगे। पर कितना जल्दी मिलेंगे ये जो डेट है ये फिक्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और जो आप जितने मुझसे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं इस बारे में उनके दिमाग में भी क्लियर हो गया होगा जो उनका सवाल था वही उसका आंसर। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।